Hi again. Okay. Live. Instagram live. Live or Instagram or gram or Instagram or live, 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 live. क्या हाल है, क्या चल रहा है सबके? आई नो बुरे ही हाल है, बट तब भी क्या चल रहा है? बकचोदी चल रही है, काफी बकचोदी चल रही है, वो तो है ही, बट बाकी क्या चल रहा है? तो मेरे को इतना आलस आ रहा है ना अभी, मेरे को अभी खाया, मैंने बहुत सारा खा लिया है, मुझे आलस आ रहा है. ठीक है, मैं सो नहीं सकता क्योंकि फिर काम करना है अभी. तो मैंने कहा कुछ तरीका चाहिए जिससे डिस्ट्रैक्शन हो. अभी आजकल मैं जितनी डिस्ट्रैक्शंस लगा रहा हूँ वो पुरानी हो गई हैं. मैंने कहा चलो आज लाइव चले जाते हैं इंस्टाग्राम पे, थोड़ा एनर्जी आ जाएगी, थोड़ा हौसला मिल जाएगा. प्रभु, ये प्रभु कौन है भाई? यूट्यूब भाई कभी सेंस बड़ी अच्छी बनाते हो यार तुम. वी मिस योर वीडियो, कब आएंगे? काम ही कर रहे हैं शर्मिला जी, काम ही चल रहा है, उसी पे काम चल रहा है. बहुत ही कड़े तरीके से काम चल रहा है. हाँ, अभी मैं कुछ ऐसे बताऊंगा नहीं, ना मैं बताना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या है, बट हाँ जोरों शोरों से काम चल रहा है. घर में भी चल रहा है, वैसे भी चल रहा है. दाढ़ी और बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, कभी कभार मेरे मुंह में आ जाती है. ऐसे कुछ पी रहा होता हूँ, कुछ कर रहा होता हूँ, ऐसे करना पड़ता है. कुछ शेक वेक पी रहा हूँ ना, ऐसे पिया और उसके बाद ऐसे ऊपर करके चाट लिया. ये सही है यार, मैं तो कहता हूँ सब उगा लो अपनी दाढ़ी, लड़कियाँ भी अपनी दाढ़ी उगा लो, सही रहती है यार, कवरिंग अच्छी हो जाती है काफ़ी फेस की ना. तो आई थिंक सबको, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, सबको दाढ़ी रख लेनी चाहिए, सही रहता है. मज़ा भी आएगा ना, और साथ में क्योंकि खेल सकते हैं उसके साथ. खेलता रहता हूँ मैं इसके साथ, यूँ घुमाता रहता हूँ इसको, ऐसे करता रहता हूँ इसको. क्या बन जाते हैं ऐसे वो MDH वाले, MDH वाले बन जाते हैं यूँ, या फिर ऐसे वो क्या होता था, पुरानी अमरचित कथाएं आती थी ना, उसके अंदर ऐसे राजा महाराजों की मूछें होती थी, यूं करके ऐसे करके. पता नहीं क्या क्या बन गया हूं मैं, ये देखो. एक मिनट, ये लुक एट दिस. मेरे को ये वाली बनी नहीं है ढंग से, इसको लूप में लेना पड़ेगा. ये पॉज्ड ड्यू टू क्या, पुअर कनेक्शन. पॉज ड्यू टू पुअर कनेक्शन. बकचोदी, इतना बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन है तब भी ये बताता है कि कम कनेक्शन है. 1 GBPS कोई मानने को तैयार नहीं है और तब भी लैग करता है, पता नहीं हालत ही बुरी है. तो मैं बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, स्ट्रीम कर रहा था मैं, उससे पहले की बात है. ठीक है, मैंने एक नया मॉनिटर लिया अभी. ठीक है, अभी जस्ट अभी एक मॉनिटर लिया मैंने, अब वो एडिटिंग के लिए लिया था मैंने. ठीक है, मैंने सोचा था जिस पे मैं पहले एडिटिंग कर रहा था वो गेमिंग वाला मॉनिटर था. ठीक है, तो मैंने कहा उसको मैं लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त इस्तेमाल कर लूंगा गेमिंग वाले को, और इस वाले को एडिटिंग में कर लूंगा, इस वाले यानी कि जो नया लिया. अब जैसे ही नया वाला आया ना, मैंने शिफ्ट किया, मतलब उसको चेंज की लोकेशन उसकी, जो जहाँ पर गेमिंग वाला था वहाँ एडिटिंग वाला लगाया, और फिर गेमिंग वाले को साइड में रखा जहाँ पर स्ट्रीमिंग होती है. तो एडिटिंग वाला बढ़िया चल रहा मॉनिटर, बट जैसे ही मैंने अपना गेमिंग वाला ऑन किया, उसके अंदर ऐसे लगा जैसे किसी ने गोली मारी है, उसके आर पार चली गई हो, पूरी स्क्रीन टूटी हुई. मतलब कोई वो नहीं है, लिटरली कोई रीजन नहीं है, कुछ गिरा नहीं, अपने आप ही किस्मत इतनी कमाल की, जैसी नया मॉनिटर आया वो पुराना वाला टूट गया. फिर मैंने पता नहीं कुछ बहुत ही छोटी सी स्क्रीन पे स्ट्रीम की है, ऐसे आधा टीवी में देख के आधा ऐसे छोटी स्क्रीन में देख के, आंखें पक जाती है बहुत बुरी वाली. आई एम वेरी एक्साइटेड वैसे, क्योंकि अभी रूम बन गया है मेरा ऑलमोस्ट, मतलब इतना बन गया है कि मैं शूट कर सकता हूँ, तो इतना बन गया है, उतना काफ़ी. अभी छत वत पे काम होना है, थोड़ी बहुत सी चीज़ें होने, बाकी सब हो गया है, तो काफ़ी चिल हो गया है अब. और आई एम वेरी एक्साइटेड, तो मैं दिखाने के लिए अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, बट यस आई एम वेरी एक्साइटेड. अभी तो बस मैंने हिम दिया था ना तुम्हें घुमा के, तो लेकिन उसमें भी पूरा नहीं हुआ था अभी, आई डोंट थिंक पूरा दिखा था उसमें, बट यस. ये कौन से बाबा आ गए बेटे, हम हैं ये,
हम नंबर वन बाबा हैं, ठीक है, हमसे ज्यादा स्कैम कोई नहीं करता, समझ रहे हो? भाई आओ कभी हवेली में, फ्री फायर में, हवेली में आऊं, फ्री फायर में आऊं, कहां पे आऊं, या हवेली में आके फ्री फायर में आऊं? भाई दिखी नहीं रूम एक बार, नहीं अभी नहीं दिखेगा रूम, बब अभी नहीं दिखा रहा मैं, अभी नहीं दिखेगा, रुक जाओ एक मिनट। पिछली बार हम क्या कर रहे थे लाइव में, मेरे को याद नहीं है। आजकल मैं ये शो बहुत देख रहा हूँ, किसी ने देखा ट्रेलर पार्क बॉयज? काफ़ी सही है। हम मैं और मेरे भाई ने ऑलमोस्ट क्या पूरा कंप्लीट कर दिए, सारे जितने भी सीजन्स थे सारे कंप्लीट कर दिए। वो ऐसे चलता रहता और तुम देखते रहो, बस देखते रहो, बस देखते रहो, काफ़ी सही है। बाकी और तो ऐसा कुछ नया आया नहीं। यस रूम बन गया क्या भाई? नहीं अभी नहीं बना यार, मतलब ऑलमोस्ट बन गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ जब तक परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक तुम ना देखो। इतना बन गया कि मैं शूट कर सकता हूँ और वो मैं कर भी रहा हूँ साथ ही साथ में, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जीएफ है, जिफ जिफ या जीएफ? पूरा देश मेरी जीएफ है। कस्बे भोसड़ी के, कस्बे क्या होता है सुजल? व्हाट इज कस्बे? कस्बे क्या होता है? हम लोग चूतिया हैं पीछे, तुम यहां, हम यहां लिखते रहते हो और तुम अपने लगते रहते हो, ये तो है। कैरी, अरे गौरव सर हाउ आर यू, क्या चल रहा है? होप आप और आपकी फैमिली सुरक्षित हैं, सेफ हैं, घर सबकी फैमिली सुरक्षित है, सेफ है, आई होप। भाई लिटिल डेड गर्ल लग रहा है, लिटिल डेड गर्ल क्या है? व्हाट इज लिटिल डेड गर्ल? और जो तूने स्पेलिंग लिखी है ना वो भी बहुत बढ़िया, लिटिल डेड गर्ल, आई वांट टू सी लिटिल डेड गर्ल, वो क्या होता है लिटिल डेड गर्ल? कुछ तो आया है, ये लग रहा हूं मैं, ये सब क्या है भाई, ये सब क्या है भाई, रुक जाओ। इसको शुरू से लगाते हैं, ऐसे नहीं, एक मिनट। लिटिल डेड गर्ल, लिटिल डेड गर्ल, अब देखते हैं यार ये बार बार कनेक्शन पुअर क्यों हो रहा है, एक मिनट। हाँ ओके, कौन है ये? अब तीन हो गई, ओके व्हाट द फक, ये क्या है? एक मिनट, इसके हाथ में वो डिस्को वाला बैलून है, वो डिस्को वाला जो बैलून होता है वो इसके हाथ में है, और ये इसने ऐसे ही एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात सात वो लगा दिए हैं अपने जैसे, यहाँ पर भी अपने जैसे कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात सात लगा दिए, और यहाँ पर कोई पप्पी सा है उस पर भी, डिस्को बॉल के ऊपर पप्पी है। मतलब अगर इस वीडियो का गलती से भी कोई सेंस बना दे उस इंसान को, अभी नहीं आज से कम 100 साल बाद पैदा होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्यूचरिस्टिक शिट है, ये बिल्कुल भी हमारे जमाने की नहीं है भाई, कॉपीराइट पड़ जाएगा। अबे पढ़ता रहे इंस्टाग्राम में, मेरे को क्या लेन देन। ओके ओके वाओ, ये तो सिनेमा है, ये सिनेमा है, दिस इज जर्मन सिनेमा या रशियन सिनेमा, रशियन सिनेमा है। आई डोंट नो हो क्या रहा है, ये शायद किसी ने मेरा वो क्या कहते हैं फोन वोन हैक वैक कर लिया किसी ने। यस अपने आप ऑडियो रिकॉर्ड, ओके आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट अपने आप ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है फॉर सम रीजन, पक्का किसी ने मेरा फोन वोन हैक कर लिया है। अब वो रिकॉर्ड क्यों कर रहा है ऑडियो, मैं लाइव आ रखा हूँ, बड़ी बेवकूफ़ वाली बात है, वो क्यों रिकॉर्ड करेगा ऑडियो। एनीवे मैं क्या कह रहा हूँ,
ये जो अभी हमने देखा ये बहुत एडवांस्ड शिट है, इसको अगर मैं ज्यादा देखूंगा सर में दर्द हो सकता है, वो मैं चाहता नहीं हूं। और बताओ यार, सही बताओ, वैसे मैं भी टाइम पास ही करने आया, मुझे लगा तुम कुछ बताओगे, तुम तो कुछ बता ही नहीं रहे हो, तुम तो वही सेम ओल्ड चीजें बोले जा रहे हो। भाई कैसे मजनू बना पड़ा है, बियर्ड बना रखी है, मजनू मजनू लोग ही बियर्ड बनाते हैं यार। अबे यार पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे उगाने का शौक नहीं है, बट हो जाती है अपने आप। भाई लोगन जैसे लग रहे हो, काश यार काश ऐसे लोगन जैसे लग रहे होते, हम मैं लोगन ही होता काश, इमोर्टल इमोर्टल। अच्छा अगर लोगन ये अपना एक्समैन वाला वो चाकू वाला वो अपने आप को खाए तो क्या वो जिंदा रह सकता है? आई नो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आज तक बहुत ही सारे लोग पूछ चुके हैं इस सवाल को, लेकिन तब भी ओके। एक और कुछ बकचोदी मिली है मुझे, एक मिनट। हाँ हो सकता है क्या कि अपने आप को वो खा ले? बहुत ही सीरियस बात है ये, प्लीज प्लीज ठीक है, इसमें बकचोदी मत करना। अगर एक्स वो वुल्वरीन वुल्वरीन यानी लोगन वुल्वरीन किसी आइलैंड पे फंस जाए जहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या वो अपने आप को खा के सरवाइव कर लेगा? मिर्जापुर 3 में मुन्ना का रोल तू करेगा क्या? पूछ रहे हो कि बता रहे हो, ये बताओ। नज वीडियो कब आएगी? आएगी भाई, आ रही है, काम चल रहा है यार, कर ही रहे हैं, उसी पे बैठे हुए हैं रात दिन, टेंशन मत लो। हाँ यस हो सकता है, पक्का हितांशु देख ले, इसकी मुझे प्रॉपर वो चाहिए, हीलिंग फैक्टर है तो वो नहीं मरेगा अगर खुद को खा ले तब भी। अरे तो फिर वो अगर ना भी खाए तब भी कैसे मरेगा? और वो खा तो उसको भूख कैसे लगती होगी फिर? उसको भूख भी लगती है? नहीं लगती होगी उसे भूख, क्यों लगती होगी? अगर वो नहीं खाएगा तो क्या होगा? उसको बस बहुत ज्यादा भूख ही लगेगी, वो मरेगा तो नहीं ना। तेरे बियर्ड जैसे बाल मेरे बॉल के पास हैं, मतलब मैं क्या ही बोलूं, तेरी बात गलत नहीं है, आती मेरी ऐसे है, तभी मैं ज्यादा लंबी रखता नहीं हूं, क्योंकि वो ऐसे ही हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे बॉल के पास है। तेरी क्या, मेरी भी बॉल के पास जैसी है ये, बिल्कुल तूने गलत नहीं बोला है। फैल्कन एंड विंटर सोल्जर देखी? वो क्या है? अरे वो जिसमें दूसरा कैप्टन अमेरिका होता है, वो तो सही है यार, वो दूसरा वाला कैप्टन अमेरिका बढ़िया है, वो किसी को भी मार देता, वो नहीं सोचता इतना, वो बढ़िया है, किसी पे भी चढ़ जाओ, शील्ड ली और चढ़ा दी। और एक तो यार वो शील्ड ना मुझे इतनी वो लगती है, जैसे बहुत फ्लैशी है वो शील्ड, मतलब उसका रोल इतना नहीं है, ऐसे अगर बंदूक बंदूक चला रहे हो, कुछ चला रहे हो यार, कुछ कर रहे हो, तो तुम्हारे ज़्यादा ज़्यादा चांसेस है बचने के वर्सेस अगर वो तुम्हारे पास शील्ड है, क्योंकि उसको चलाना आना चाहिए ना, उसको फेंकते हो फिर वापस ले लेते हो, ताकत लगती है, बहुत काम है, गोली है उसको पकड़ो तेज चला दो ख़त्म कहानी, बढ़िया। तब देखो मेरे को ये क्या कहते हैं इससे कैप्टन अमेरिका से बढ़िया वो लगता है, ये थोड़ा वैसा सा नहीं है जैसा होमलैंडर जैसा है दूसरा वाला कैप्टन अमेरिका, होमलैंडर बढ़िया चीज है, होमलैंडर बढ़िया चीज है। भाई शाउट आउट दे दो प्लीज, शाउट आउट टू यू जानम। मस्त है वो बीसी, वही तो मैं कह रहा हूं मस्त है वो। और पेपर वेपर चल रहे हैं क्या किसी के? पेपर वेपर चल रहे हैं किसी के बोर्ड ये वो? अच्छा वो तो कैंसिल हो गए, ये सही है यार, मैं यही बात स्ट्रीम पे बात कर रहा था मैं, हमारे टाइम पे ऐसा कुछ होता ही नहीं था, मतलब ऐसा नहीं है मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ ऐसा कुछ, बट हमारे टाइम तक ऐसा कुछ होता ही नहीं था, हमारे टाइम तक तो खैर वो भी नहीं होता था कि तुम ऐसे यूट्यूब पर सर्च मार लो और तुम्हें मिल जाएंगे कि भाई इस सम की मतलब इस क्वेश्चन का ये आंसर है या कुछ है, किताबों में लगे रहो पढ़े रहो, हाँ यहाँ मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तभी तो हो नहीं पाई ना हमसे तभी तो नहीं हो पाई इतनी झंझट।
इतनी स्ट्रगल थोड़ी सी चीज के लिए। अभी ओनली कोरोना चल रहा है, वो तो चल ही रहा है यार। आर्किटेक्चर का चल रहा है, आर्किटेक्चर ओ सही। अरे तो तुम्हें एक चीज दिखा सकता हूं, मैंने पहले दिखाई है तुम्हें शायद, मुझे पता नहीं, याद नहीं। ओके तो मैंने क्या इफेक्ट करवाया है कमरे में कि अगर, अच्छा तुम पीछे देख रहे हो मेरे, ठीक है पीछे देख रहे हो तुम मेरे, अब ये जो है ना ये काइंड ऑफ अभी अंदर जाएंगी, ठीक है, बट ये जल रही है अभी, तो अगर मैं ऑफ करूंगा ना तो बहुत सी इफेक्ट आता है। ये देखो, ओ ये तारे बेंच, तारे बेंच। ये अभी रुको, इसको और बढ़िया बनाते हैं। मैं ये करना नहीं चाह रहा था बट अब मैं अभी ना एक्साइटेड हो गया, रुक जाओ रुको। हाँ रुक जाओ, छाती से चिपक जाओ मेरी, अभी कुछ रिवील नहीं हो सकता। हाँ रुक जाओ, नहीं, अरे यार हाँ अब देखो, एक मिनट, हाँ अब देखो, अब सही लग रहा ना ये, मतलब कभी कभार थोड़ी सी तेज हो जाती है बट ये मूड की बात है। जब ऐसे क्या होता है ना कि अब तुम एक ही कमरे में बैठे हो और तुम बहुत घंटे काम कर रहे हो तो बहुत ही ना ऐसे क्या होता है, सराउंडिंग की आदत हो जाती है, तो थोड़ा चेंज के लिए लाइटिंग वाइटिंग ये सब होटा, मतलब मूड वूड वगैरह भी चेंज करने के लिए ऐसे अलग अलग चलते रहो। ये एक मिनट, हाँ बहुत भारी है ये। ओ बेंच बंद हो गई, अब खुल गई। ओ ओ ओ ओ बंद हो गई क्या? जलगार हो, अरे रुको, जलगार हो, ग्रीन लैंटर्न हो, एक्वामैन हो। हाँ अब देखो ऐसे दिखा दो, अबे जल गई, बंद हो जा, नहीं जरूरत अब तेरी। ऐसे देखो यहां से, ऐसे बढ़िया ट्वर्क कर दे, साले तारे दिखा रहा हो यार, ट्वर्क कर दे, शर्म नहीं आ रही है। एनीवे तो यस, ये सब हुआ है हमारे कमरे में भाई, तेज कर रहा हूं, ठीक है भाई,
हैव फन, मजा नहीं आया। ठीक है भाई, मत लो यार, मैं तो ऐसे बस दिखा रहा हूं, मैं कोई मजे थोड़ी ना देने आया हूं, कमरा दिखा रहा हूं मैं, मजे थोड़ी ना दे रहा हूं, मैं तो खुद मजे ले रहा हूं यार। चैट्स पढ़ लो थोड़ी, चैट्स पढ़ ले थोड़ी, परा दो यार चैट्स परा दो। मतलब रूम में ही स्टार गेजिंग, यस यस ब्रदर, जो समझ गया वो समझ गया, बाकी जिसको मजा नहीं आया वो अलग ही चल रहा है। अच्छा है, मतलब नॉट इम्प्रेस्ड ना, कतई भी नॉट इम्प्रेस्ड। ठीक है यार, ठीक है, हमें सिंपल चीज़ें पसंद है, हम खुश हो जाते हैं इतने में, हम इतने में खुश हो जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए बहुत है। ठीक है, सॉफ्टवेयर दे दे। कौन सा सॉफ्टवेयर भाई, मजा आ गया जी? नहीं नहीं अब मजा नहीं आया, अब वही बात, अपनी बात पे रहो, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, तुम्हारी तुम्हारी बहुत अलग है। तुम्हें देखने क्या, तुम्हें लैम्बोर्गिनी खड़ी कर देता हूँ कमरे में, तब मजा आएगा तुम्हें, लैम्बोर्गिनी खड़ी कर देता हूँ, फिर क्या मॉडल निकलवा देता हूँ उसमें से तीन चार, तब आएगा तुम्हें मजा। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ तो पढ़ ला 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 लिया, क्या फायदा है यार पढ़ने का बताओ तुम, क्या फायदा है पढ़ने का? चैट चैट देख रहा हूं मैं तुम्हारी, पढ़ने लायक हो तब तो पढ़ेगा ना इंसान। भाई तुम्हारे पास तो रोल्स रॉयस में भी पॉज है, यहां तू मेरे से आगे निकल गया बिल्कुल, यहां से तू बिल्कुल आगे निकल गया मेरे, बिल्कुल तेरा जो सेंटेंस है, तेरा जो वाक्य है, कतई यहां गया पीछे से निकल गया। मौज कर दी? नहीं भाई मैं मौज पे नहीं हूं, सॉरी यार। नेक्स्ट वीडियो कब आएगी दो, हमें जवाब चाहिए भाई, काम चल रहा है यार, मैं तुम्हें क्या टाइम दूँ। ठीक है, यही होता है, मैं टाइम इसलिए नहीं देता क्योंकि फिर क्या होता है, समझो इस बात को कि मैंने तुम्हें टाइम दे दिया, अब क्या है सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती हैं, तो जस्ट इन केस अगर वीडियो डिले हो जाए, ठीक है, तो फिर तुम नाराज़ होगे कि यार तब बोली थी तब नहीं आई, तो इससे बढ़िया मैं लेके नहीं चलता, जब तक पूरी वीडियो मेरे हाथ में नहीं है ना तब तक मैं डेट नहीं देना चाहूँगा। ये हम पहले भी गलती कर चुके हैं, करते आए हैं ये गलती, तो अब नहीं करेंगे। लाइट चली गई, इसी के साथ लाइट चली गई तो मतलब हमारे जाने का भी टाइम आ रहा है। उम्र क्या है तेरी यार, अब मैं पूरे 12.5 साल का हो गया हूँ, मैंने अब स्टील की बोतल पे स्विच कर लिया, पहले मैं वो मिल्टन की बोतल से पीता था, मैंने स्टील की बोतल पे स्विच कर लिया, आई फील वेरी मैच्योर, मेरे अब जस्ट स्टार्ट हुए, मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया है, मेरे टट्टे बड़े हो गए हैं थोड़े से हल्के से, और दाढ़ी आते हो, दाढ़ी आ गई है, काफ़ी दाढ़ी आ गई है मेरी, तो या आई फील आई एम ग्रोइंग। नाइस बियर्ड, अरे आशीष थैंक यू यार, मतलब स्पेशली जब तू कहता है तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, तेरी इतनी बढ़िया दाढ़ी है और जैसे तू ऐसे बूम करके बाहर आया है, मुझे लगा नहीं था मैं कभी भी तेरे को दाढ़ी के साथ देखूंगा, बट मैंने देख लिया, कटवा ली ना तूने, सही किया, सही, नाइस, इट वॉज द राइट डिसीजन। मैं यार तेरे डिसीजन, तेरे बहुत सही डिसीजन होते हैं आशीष, आई ऑलवेज बिलीव इन योर डिसीजन, तूने कटवाई सही डिसीजन था वो, प्लीज़ दोबारा दाढ़ी मत रखियो। ऐसा ना बहुत बड़ा बड़ा सा लगता है आशीष दाढ़ी के साथ, अपना छोटू आशीष ही ठीक है, गोलू मोलू सा। कैरीज लाइव पे लाइव स्ट्रीम कर लो प्लीज आज, ठीक है सर,
हम लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं, आप वीडियो बना लो ऐसे कर लेते हैं। कोई नहीं दिख रहा, ठीक है यार, कोई नहीं दिख रहा तो कोई नहीं दिख रहा। आशीष मैं तो कह रहा हूँ तू तो चैलेंज रखते हैं, काम कर, 6 महीने अपन दोनों दाढ़ी नहीं कटवाते हैं, ठीक है, फिर आउटपुट देखते हैं क्या हुआ। देख मेरे से तो बढ़िया ही आएगी तेरी, मेरी तो बिल्कुल ऐसे, ये देख ले वही नियर द बॉल्स, ठीक है, और तेरी तो तब भी मतलब ऐसे स्ट्रेट तो आती है ना कम से कम, वो अच्छी बात है। स्ट्रेट नहीं आती मेरी, मेरी ऐसी गोल गोल आती है अजीब सी, कोई नहीं चाहता। ब्रो आशीष के साथ जाओ लाइव प्लीज, आएगा आशीष, आएगा लौंडे, फोर्टनाइट खेलो प्लीज। फोन गिरेगा, फोर्टनाइट खेलने वेलने की बात मत करो यार, अभी खेलने वाले से बहुत दूर चल रहे हैं हम। भाई राधे का ट्रेलर देखा क्या? अरे देखते हैं ना पहले नहीं देखा तो क्या, राधे मैंने देखा क्या ट्रेलर है, 1 मिनट। राधे ट्रेलर, अरे भाई ट्रेलर आते नहीं है, रिव्यू पहले आ जाती है। भाई ट्रेलर कहाँ है तुम्हारा? राधे ट्रेलर, ट्रेलर राधे राधे राधे, अच्छा ट्रेलर ये रहा। सलमान खान, दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ, प्रभु देवा। 1 मिनट, सलमान खान, दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ, प्रभु देवा। विद्युत जामवाल नहीं लिया इस बार इन्होंने, ही इज मिसिंग, लेकिन सारे स्टंट्स वाले लोग ले लिए इन्होंने, क्या करते हैं यार ये लोग, सारे स्टंट वाले लोग ले लिए इन्होंने, जैकी श्रॉफ स्टंट्स, रणदीप हुड्डा स्टंट, सलमान खान स्टंट्स, बट इन सब में से सबसे बढ़िया सिंगर सलमान खान ही है, नो डाउट। मुंबई शहर में ड्रग्स के नशे के कारण हर रोज जुबान की मौत हो रही है। गुड मॉर्निंग मुंबई। रणदीप हुड्डा तो सही है, रणदीप हुड्डा तो शहर में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। वी हैव सीन जमा देते हैं सर। आई लव इट। ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर की बस की बात है ही नहीं। सही बात है, उसके लिए हमें कौन चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए राधे, राधे चाहिए उसके लिए, कोई आम पुलिस वाला नहीं कर सकता वो, वी नीड राधे, राधे राधे राधे, वो बालों के साथ। इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। स्पेशलिस्ट, 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 ओके स्पेशलिस्ट। राधे, राधे, शिट, ओए, ओके, राधे, 97 एनकाउंटर्स, ही इज नॉट लाइंग, ही इज नॉट लाइंग। 97 एनकाउंटर्स, उसका काम करने का अपना तरीका है। उसका काम करने का 97 एनकाउंटर्स, उसका काम करने का अपना तरीका है। ओके ओके ठीक है, ओके इट, मतलब मे बी कुछ ज्यादा ही रिवील हो रहा है, ठीक है। अभी तो सिर्फ 3 इंच घुसाया। ये क्या सुना मैंने अभी, ये क्या सुना मैंने अभी, 3 इंच घुसा, ओके तो सिर्फ 3 इंच घुसाया, अभी तो सिर्फ 3 इंच घुसाया, बच कितना रहा है और मतलब बाकी कितना हो रहा है और कितना बचा कितना है, और अगर 3 इंच ऑलरेडी इन हो तुम तो और कितने इंचेस बच रहे हैं तुम्हारे पास? अगर अब फक ब्रो, नहीं ये मैंने क्या देख लिया,
एक मिनट, एक मिनट, ओके फक, ओके फक दिस, एक मिनट. ओ भाई ये क्या, अरे लाइट भी आ गई अब तो. क्रेजी, आई लाइक इट. ऐसे कैसे पकड़ा हुआ है, मतलब ठीक है, सही है. कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी. एक मिनट, क्या? अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा. ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा, ठीक है, और लिवर की जगह किडनी. सही नहीं, नहीं सही है, मतलब नहीं सही है, सही है, सही 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 है. तुम्हें पुलिस का जॉब सूट नहीं करता. वैसे आपका नाम क्या है? दिया. किसने रखा? मेरे भैया ने. जब कभी मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा. नादिया. वैसे आपका नाम क्या है? दिया. किसने रखा? मेरे भैया ने. जब कभी एक मिनट भी मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा. ओ भाई, ओ भाई, मैंने पूरी फोकस करने की कोशिश कर ली कि इसका क्या मतलब निकल सकता है. ओके, तो अगर मेरी बहन होगी, तुम्हारा नाम क्या है? दिया. किसने रखा? मेरे भाई ने. अगर मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा. नादिया भाई, भाई दिया, नादिया वापस भाई. ओ ये तो भैया बहुत डार्क जोक चल रहे हैं. ओके मे बी नॉट, बट ओ ओ ओके ठीक है. मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा क्या जोक था ये और कितना डार्क है ये जोक. फक इट. ना दिया. पुलिस की नौकरी है गिरफ्तार, मतलब आई लाइक दिस द मोस्ट कि पुलिस की नौकरी है, पुलिस का सब कुछ है, पुलिस की बात हो रही है और ये खुद भी पुलिस ही है, लेकिन तब भी ना तो वर्दी है, मतलब कुछ भी नहीं है, पुलिस के अलावा सारे काम हो रहे हैं. पुलिस है ये, टॉम क्रूज है भैया. ऐसे इतने हाई फाई कैसे हो जाते हैं पुलिस वाले, जिनका अपने काम करने का तरीका होता है, इतने हाई फाई कैसे होते हैं, मतलब ऐसे जंबो जेट है उनके पास, ये सब है उनके पास. क्यों है? फंड कौन दे रहा है पुलिस वालों को? इतना फंड कौन दे रहा है? ऐसे कोई पुलिस वाला बोले हाँ भैया प्राइवेट हेलीकॉप्टर चाहिए हमें, किसी का एनकाउंटर करना है, तो क्या उसको मिलेगा? खैर इतना तो इतना सेंस क्यों बना रहा हूं, सॉरी. पड़ेगा, मुजरिम हूं, जान से मारना पड़ेगा. तुम्हारे 10वीं पास होने से पहले या तो वो जेल के अंदर होंगे या जमीन के अंदर. बच्चे पे प्रेशर आ गया यार इतना सारा. अरे आगे करो यार, ठीक है ऐसे पूरी मूवी. ओके
ये कैसे किया इन्होंने, ये VFX है क्या, ये VFX है क्या, ये कैसे बैठे, ये ऐसे कैसे बैठे है, ये VFX है। आई डोंट नो यार, फिल्म मेकिंग इज सो इंटरेस्टिंग, इतना VFX करते हैं यार। जान बचा और निकल, राधे जाने के लिए नहीं भेजने के लिए आया है और तेरे हिस्से की बिरयानी हम सब मिल बांट कर खाएंगे और बोलेंगे ईद मुबारक। My heart is like an angel. Okay. This is not a movie, it's a mashup of multiple movies. ये तो किक का उल्टा हो गया। हाँ भाई, आई एम ऑल्सो जो ठीक है, मैं कोई रिव्यूअर नहीं हूँ, यहाँ बैठ के हम रिव्यू नहीं करने वाले मूवीज को। इट्स अ डांस स्टेप यार। अरे क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो यार, इतनी नॉलेज क्यों है तुम, इतना IQ तुम्हारा इतना आगे क्यों जाता है यार, क्यों आइंस्टाइन का क्यों कंपटीशन देते हो, रहन दो ना, रहन दिया करो, कभी 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 स्मार्ट नहीं बनना होता, कभी कभी बेवकूफ बनना होता है, क्यों नहीं बनते हो तुम, जरूरत क्या है इतना स्मार्ट बनने की भाई। वो डांस स्टेप है, ठीक है भाई, वो डांस स्टेप है, प्लीज मेरा नाम लू। ये नाम लेने की अभी तक मुझे समझ नहीं आई, कितने साल हो गए हैं, मतलब कब बड़े हो गए तुम लोग, मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है, ये नाम लेने की परंपरा कब छोड़ोगे तुम, प्लीज मेरा नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो, कहाँ, मतलब क्या इफेक्ट है उसका। मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक्चुअली एक काम करता हूँ, मैं कोई भी नाम लेना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, तुम्हें लगेगा तुम्हारा नाम ले रहा हूँ। हाँ करिश्मा तू सही कह रही है, हाँ नहीं नीलेश, नहीं नहीं अभी नहीं है वो मेरे पास नीलेश, नहीं 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 रौनक, मैं भी वही कह रहा था लेकिन मंजीत ने पहले कह दी, अब तेरा लेट हो गया, अब ले रहा हूं मैं नाम। अरे मुझे क्या पता, श्वेता से पूछो ना, स्प्रिंग रोल कहाँ मिलते हैं। सर हमारे मैसेज क्यों नहीं देखते, एलर्जी, मुझे तुम्हारे मैसेज से एलर्जी है, मैं देखता हूँ दाढ़ी में खुजली होती है मेरी। इमेजिन अ गाय नेम डिक कमेंट्स की अजय मेरा नाम ले लो। अरे नहीं सरन, इट इज, रुक जा, नहीं हाय बेटे, हेलो ग्रैंडफादर, हेलो, और कितने बच्चे हैं आपके, मेरे ख्याल से अभी ये 40,000 रोग देख रहे हैं, 40,000 रोग आपके बच्चे होंगे मिस्टर कश्यप, आपके बच्चे हैं ये 40,000 वाले हैं, बताइए कितने कितने बाप, कितने बच्चों के बाप हैं आप बताइए, एक तो मैं ही हो गया और मेरे साथ बाकी जितने लोग हैं वो भी हो गए, 40,000 बच्चे तो आपके यहीं हो गए, तो पापा थोड़ी ना फीस चाहिए थी हमें 40,000 की, दे दोगे ना प्लीज़, हमें दे दो ना, सबको दे दो ना 40,000 दे दो ना पापा, बाइक लेनी है, एक को बिजनेस स्टार्ट करना है, एक को कुछ और करना है, दे दो ना पापा, इतने इतने बच्चों के आप बाप बन रखे हैं मिस्टर _ कश्यप _007, इतने बच्चों के बाप बन रखे हैं आप, प्लीज क्यों नहीं देते हैं? आप पैसे निकालिए ना प्लीज, एक बाप की ड्यूटी निभाइए, प्लीज निभाइए ना, मम्मी ने डाइवोर्स दे दिया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई,
निभाई है। ईशांत बता बताओ लोगों को क्या चाहिए, हमारे पापा मिस्टर कश्यप, हमारे पापा आ गए, आप हम सबके पापा आ गए मिस्टर कश्यप, प्लीज आप बताइए लो, प्लीज बताओ किस किस को क्या क्या चाहिए। ये देंगे भाई साहब, भाई साहब कह रहे हो ये हमारे पापा देंगे। स्विगी कर दो, अरे स्विगी से खाना है पापा, इनको स्विगी से खाना है, कौन है ये वीजी, वीजी वीजी बेटे को स्विगी से खाना है, प्लीज उनके लिए खाना दीजिए स्विगी वाला। दो बच्चों की ट्यूशन की फीस जानी है, आप क्या कर रहे हैं पापा। कैसे हो बेटे, मेरी गांड ले लो भाई। आकाश मजाक में अच्छा लगता है बट सीरियसली ले लूंगा ना, दिक्कत हो जाए। मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए पापा, इनको गर्लफ्रेंड चाहिए, प्लीज लाके दो ना पापा। पापा आप भी तो जाते हो ना रेड लाइट एरिया में, कोई लाओ ना इनके लिए भी प्लीज पापा। इनका नाम अंडरस्कोर पीडी अंडरस्कोर पता नहीं, पापा बहुत ही वाहियात नाम रखा है आपने अपने बच्चे का, ये क्या नाम है इसका, अंडरस्कोर डॉट पीडी डॉट अंडरस्कोर डॉट अंडरस्कोर, पापा बहुत ही वाहियात नाम रखा है ये। मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका बेटा है ये अपनी प्रोफाइल डिलीट कर दे, क्योंकि इससे वाहियात नाम हमने आज तक नहीं सुना है, और ऐसे तो गर्लफ्रेंड इसे बिल्कुल नहीं मिलेगी। कार चाहिए इमलानी को, कार चाहिए पापा, वंश को, वंश को कार चाहिए। कौन सी कार चाहिए तो बता, कार चाहिए पापा, ऐसे थोड़ी ना पूछ बत, ऐसे तो तू कल को बोल दे मर्सिडीज ऑडी चाहिए, हैं पापा कहेंगे भप छोटी बात कर दी, रोल्स रॉयस के लिए एम कर, तो बताना कौन सी गाड़ी। मुझे बुगाटी चाहिए पापा, इनको मनीष को मुंह में चाहिए कह रहा है मनीष, मनीष को मुंह में चाहिए प्लीज पापा, मनीष को मुंह में दे दो, और पापा प्लीज नीट कैंसिल करवा दो, नीट कैंसिल करवा दो, बच्चे कह रहे हैं। पापा इनको बीवी चाहिए, शिवांश को बीवी चाहिए पापा, पापा करो ना जुगाड़ प्लीज पापा, पापा आप पापा हो ना मेरे, प्लीज पापा करो ना। पापा प्रिंस को लंड चाहिए, अबे तू पागल है, अपने पापा का कोई लंड मांगता है पागल। बक प्रिंस अंडरस्कोर 881 क्या हो गया भाई तुम्हें, कौन से नशे करके आयो। बप स्टेमिना चाहिए पापा, हर्ष को स्टेमिना, अरे उसके लिए तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, पापा भगवान थोड़ी ना, पापा तो मेटीरियलिस्टिक चीजें दिलवा सकते, ये तो तुम्हें खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी। जाओ किसी जिम ट्रेनर के पास जाओ, थोड़े अच्छे स्टीरॉइड्स बताएगा तुम्हें, एकदम बाबा जी लग रहा है, एकदम बाबा जी लग रहा है भाई, एकदम बाबा जी लग रहा है अपन है। पापा गांड दे दो, पापा से ही मांग लो गांड है। मेरे को एक NIGGR चाहिए, तो उसके लिए तो तुम US जाओ ना। ये पापा पापा ये क्या, इसका वीजा लगवाओ यार, इनके बहुत उच्च उच्च विचार हैं और बहुत तगड़ी नीड है, बहुत तगड़ी नीड है इनकी, एस्पिरेशन देख रहे हो इन लौंडों की और लौंडियों की, एस्पिरेशन देख रहे हो बहुत तगड़ी है पापा। अरे झाट कटवाओ यार, ये मेरा सबसे फेवरेट कमेंट है अभी तक का, पता नहीं पिछले 20-30 मिनट से बैठा हूँ मैं, ये हमारे किसने किया है ये, आज शर्मा सीबी ने बड़े ही प्यार से लिख दिया, आ रहे झाट कटवाओ यार, मतलब भाई सीधे लाइव स्ट्रीम खोली होगी भाई, परेशान होंगे ज़िंदगी से, लाइव स्ट्रीम खोली होगी और देखियो देखा होगा एक इंसान ऐसे इतनी दाढ़ी लेके बैठा होगा, सीधे यही आया होगा सबसे पहला ख्याल यही होगा, अरे झाट कटवाओ यार, झाट कटवाओ। बस कर मेरी जान, मुझे कह रही कि मर्द चाहिए, अरे पापा पापा है
पापा यूनिवर्स नहीं है और यूनिवर्स की भी औकात नहीं है ये पूरा करने की। आई लव आंटियां, आंटियां चाहिए युवराज को, आंटियां चाहिए। क्या टेस्ट को हो क्या गया यार लोगों के, मुझे समझ नहीं आता है। आंटियां चाहिए यहां पे, और वो भी जिसके ऐसे तीन चार बच्चे हों वो चाहिए इनको। ये सुषमा आ गई है अपना स्पैम पेज प्रमोट करने, मैं उसे फन दूंगी। जिसको फन लेना है सुषमा से ले लो वो आता ना कमेंट इंस्टाग्राम पे भी, क्या कहते हैं पोस्ट पे भी आ जाते हैं ऐसे, इफ यू वॉन्ट टू हैव सम फन फॉलो मी। अरे बहन चो, फन करने से जो फॉलो मी करने, मतलब फॉलो करने से जो फन मिल रहा है ना, वो एक साइट पे वीपीएन लगा के फ्री में मिल रहा है, ठीक है? तो उससे बढ़िया वहां देख लो तुम। ये क्यों काहे का इंस्टाग्राम पे काहे का फन लेना है तुमको? सामीज वाली गाली याद है ना? यस, अब बस तुम, अब तुमने हद कर दी। अब तुम बस यही लिखे जा रहे हो, गांड दे दे, ये दे दे, लंड दे दे, वो दे दे। अब कतई खत्म हो गई है तुम्हारे अंदर का जितना जूस था, मैंने सारा निकाल दिया है। अब तुम कतई बेकार हो चुके हो, बर्बाद हो चुके हो। जाओ जाके आधा घंटा सो के आओ, ठीक है? हम भी जा रहे हैं, हम भी आधा घंटा सो के काम करेंगे। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। बाकी ट्राई करते हैं आज स्ट्रीम हो जाए रात को। मैं भी चाह रहा हूँ, सब चाह रहे हैं, तुम भी चाह रहे हो, मुझे पता है। पर काम साथ में चल रहा है तो देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी। नहीं होती है तो समझ जाना कि भाई काम चल रहा था और बस क्या कहूँ इससे ज्यादा मैं। पापा मुझे मम्मी को आदित्य, यार ये सारी बातें ना मत लिखा करो, ये सारी बात पढ़ने में भी शर्म आ रही है मुझे। क्या सब बोल रहे हो यार तुम, तुम्हारा बहुत ही बेकार दिमाग हो गया। बब जाओ यार, पढ़ के आओ, पढ़ के आओ कह रहा हूँ, सो के आओ, आधा घंटा सो के आओ, जाओ, गो गो, गेट लॉस्ट। वेज योर गुलाबी चश्मा, वेज योडा, ये पढ़ना बहन चो। अरे पढ़ लिया ये गुलाबी चश्मा, गुलाबी चश्मा पढ़ा है, अभी पहन नहीं रहा हूँ मैं, उसका टाइम आएगा तब पहनूंगा, अभी अभी टाइम नहीं है उसका। योडा भी है, योडा रखा हुआ है, योडा पड़ा हुआ है, जल्द ही मिलाएंगे योडा से भी, डोंट वरी। जाट कटवा के आई हूँ, यस मैं कोशिश करूंगा जाट तब तक कट जाए। इस काम इज इक्वल टू 4 महीने से चल रहा है तो इतना ऐसे सैड क्यों फेस है क्या करे भाई, चल रहा है तो चल रहा है। चलो ध्यान रखो, अब मेरा भी होली है, मीटर ऑफ हो रहा है मेरा, मैं भी थोड़ी देर सोऊंगा, नैप वैप लूंगा जो एक 70 साल का बुड्ढा हमेशा करता है, ठीक है? ध्यान रखो सब, बी सेफ सिक्योर, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, राधे का ध्यान रखो, ठीक है? और खासकर पापा का ध्यान रखो, मिस्टर कश्यप, आप सबके जो पापा हैं, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं आपके पापा, प्लीज़ उनका ध्यान रखना, ठीक है? चलो बाय बाय, ध्यान रखो अपना, यार इंस्टाग्राम हर बार चेंज कर देता है यार, ये ऑफ कैसे होती है भाई। मिल गई,